मैं ममता कुलदीप, मैं बनाने जा रही हूँ आज मोजरेला चीज। मोजरेला चीज बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है जो कि गर्म नहीं है, एकदम कच्चा है। अब हम इसको इतना गर्म करेंगे कि जितने टेम्परेचर पर हम दही बनाते हैं लगभग उतना गर्म करेंगे। और इसके लिए कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए पड़ती हैं, थोड़ा सा नमक और कई 7-8 चम्मच विनेगर। अब हम बनाते हैं चीज। टेम्परेचर बहुत कम रखते हैं और इसको लगातार चलाते रहना है। इसको सिर्फ इतना गर्म करना है कि ये टच कर सकें इसको आराम से। हमने हाथ अपने अच्छे से वॉश कर लिए हैं क्योंकि इसको देखने के लिए फिंगर का यूज करना पड़ता है टेम्परेचर को। इसको बराबर चलाते रहेंगे जिससे ये लगे भी नहीं और दूसरा इसको ज़्यादा तेज गर्म भी नहीं होने देना है। जैसे ये रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है हम इसको बीच बीच में टच करके देखते रहेंगे। इसको करीब 1 मिनट तक ही पकाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं पकाना पड़ेगा। इतने में ही ये चीज़ बनाने के लायक गर्म हो जाएगा। इसका टेम्परेचर ना बहुत कम रखा हुआ है कि तेज आंच पर पकाएंगे तो ज़्यादा जल्दी तेज गर्म होगा और नीचे लगने का भी रहेगा। स्लो आंच पर चलाते भी रहेंगे और तो ये लगेगा भी नहीं और एकदम तेज गर्म भी नहीं हो पाएगा। अभी इसको करीब 10 से 15 सेकंड और गर्म करना पड़ेगा। अब हमारा ये जो दूध हमने गर्म किया है वो इतना गर्म हो गया है कि हम इसको सिर्फ टच कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। अब हम इंडक्शन को बंद कर देंगे और करीब थोड़ा सा इसको और चलाते रहेंगे जिससे एक सा हो जाए। इसको लगातार चलाते रहते हैं। अब हम इसमें धीरे धीरे करके विनेगर डालेंगे। हमने 7 से 8 चम्मच विनेगर लिया हुआ है, 1/4 चम्मच, और इसको धीरे धीरे से इसमें डालते रहेंगे और इसको घुमाते रहेंगे। अब दूध फटना शुरू हो गया है। ये देखिए इस टाइप से ये फटना शुरू हो गया है। तो पूरा अच्छे से एक साथ निकल आया है। इसको हमने पूरा चलाते चलाते इसका एक साथ इसको कर लिया है। अब हम इसको फिर से अच्छे से हाथ धो के और इसको धोते हैं। इसको हाथ से इतना ये ऐसे हो जाता है कि इसको हम हाथ से आराम से टच कर पाते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, दूसरे बाउल में पानी लेंगे और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके जो पनीर जैसा बना हुआ है, जो चीज़ बनना है जिससे इसमें सिरका है, तो सिरका का असर ख़त्म करने के लिए, उसका खट्टापन ख़त्म करने के लिए पानी में नमक डालते हैं और इसको अच्छे से धोते हैं। इसको हम बराबर से इसमें अच्छे से धोते रहेंगे। इसको बहुत अच्छे से बराबर से दबा दबा के और धोते रहते हैं। एक बार और हम इसका पानी चेंज कर लेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस करेंगे हम इसका तो इसके अंदर जो विनेगर है वो इससे निकल जाएगा।
ये देखिए, और हमारा जो चीज़ है वो एक साथ आ जाएगा। इसको कई बार हम ऐसे इसको निचोड़ेंगे और इसको धोएंगे। इसको मैं अभी हम एक बार इसका पानी फिर से चेंज करेंगे। इसको दबा दबा के अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए एकदम बॉल जैसा हो गया है। अब हम इसको एक 5-6 टुकड़े बर्फ का डाल के पानी, ठंडे पानी में इसको एक बार फिर से धोएंगे। ये पूरा एक पेड़ा जैसा बन गया है। ये हमने बर्फ के पानी में अब इसको डाला हुआ है। इसमें भी हम इसको प्रेस कर करके इससे क्या होगा कि इसमें जितना भी सिरका का खट्टापन है वो भी निकल जाएगा, और जो हमने अभी नमक यूज किया था वो नमक आया होगा वो भी इससे पूरा बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे बराबर दबा दबा के इसका पूरा पानी निकाल देते हैं, इससे नमक का और विनेगर का असर इससे बिल्कुल खत्म हो जाता है। ये देखिए पूरा चीज बनके तैयार है। इससे हम कुछ भी बना सकते हैं, पिज्जा, पास्ता, सैंडविच कुछ भी तैयार कर सकते हैं। ये देखिए ये बनके एकदम तैयार है। इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। और इसको ब्रेड पर स्प्रेड कर देंगे। अब हम इसको इंडक्शन पर पैन में इसको गरम करके आपको दिखाते हैं। अब हम इसमें इसको गरम करते हैं। धीरे धीरे पलट पलट कर गर्म करते रहते हैं। इसको दबा दबा के सेकते हैं से सैंडविच बनके तैयार हो जाएगा, चीज सैंडविच।
अंदर वाला चीज़ धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो गया है। ये देखिए ये पूरा चीज़ मेल्ट हो चुका है। अब हम इसको आपको काट के दिखाते हैं। ये मेल्ट हो चुका है, इसको काट लेते हैं और फिर इसको ये देखिए ये पूरी तरह से इसने चीज़ को पकड़ रखा है। ये हमने आज पहली बार घर में चीज़ बनाया है, आप भी बनाइएगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है चीज़ बनाने का। थैंक यू।